हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जेस्ट में इस वीडियो हम में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो पीटी के यानी कि फ़िज़िकल के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 18 मई से आपके जो हैं फिज़िकल इस्टार्ट हो जाएंगे तो फिज़िकल देने जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए तो ये मेरे पास एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है और इसके अंदर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या लेके जाना है शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थाई है ये आपको बता दिया गया है सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं परीक्षा विज्ञापित में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देशक के अनुसार शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में हाइट और चेस्ट में छूट हेतु पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपने दावे के संबंध में छूट संबंधित दस्तावेज जांच हेतु लाना अनिवार्य है साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का एक स्वयह हस्तांत्रिक छायाप्रति फोटोस्टेट भी लाना सुनिश्चित करें यह पाए जाने पर ही आप पात्रता की शर्तों पर आपको छूट मिल पाएगी यानी कि अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं और आपको छूट मिलती है जो भी फोर्स लाइन की अगर आपकी वैकेंसी होती है तो तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा उसको ओरिजिनल भी लेके जाना होगा और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी जिस पर आपका एक साइन लगेगा और वो फोटोकॉपी जमा कर ली जाएगी थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है यानी कि ये जो प्रवेश पत्र है ये आपको जरूर लेके जाना है उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा किसी अन्य केंद्र पर नहीं किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड पर एड्रेस दिया दिया गया है आप उसी एड्रेस पर जाइएगा और तय समय पर जो समय दिया गया है उससे पहले ही पहुंच जाइएगा किसी और फिर आपकी एंट्री नहीं होगी ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपना पहचान का फोटो लगा कम से कम एक शाख्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मतदान कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड स्कूल व कॉलेज द्वारा जारी पत्र में कोई एक मूल रूप से अपने साथ लाना होगा यानी कि एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है आपके पास आधार कार्ड हो वो तो आप टेंथ की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं जो अभी वाली है दो हज़ार ग्यारह वाली जिसके अंदर बहुत बड़ी सी है और फ़ोटो और सनद आपकी मिक्स है वो भी आप लेके जा सकते हैं और बाकी आप लाइसेंस मतदान कार्ड पैन कार्ड ये सब भी लेके जा सकते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा पी का मतलब होता है आपकी जो है नपाई तुलाई होगी और पी का होता है आपकी रनिंग होगी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन आयोग में देख लें यानी कि जो भी कुछ आपके शारीरिक मापदंड वगैरह हैं कितनी हाइट चाहिए कितनी कितना वेट चाहिए क्या होना चाहिए ये सब आप एस एस सी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ये इन्होंने कहा है छठे पॉइंट के अंदर कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फ़ोन सेलुलर फ़ोन आईपैड लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर ना लाएं इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र कोई जवाबदेही नहीं देगा साथ ही वह उन्हें रखने की भी कोई सुविधा नहीं होगी यानी कि आप अपना कुछ भी कीमती चीज़ ना लेकर जाएं, इन्होंने पहले ही बोल दिया है वहाँ रखने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है कभी आप अपना आईपैड ले जाएं और बाद में वो आपका खो जाए तो ये इंस्ट्रक्शन थी उसके बाद सेवन्थ पॉइंट देख ले लेते हैं शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कैंडिडेट के बाएँ अंगूठे का छाप लिया जाएगा यानी कि आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा अतः अभ्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बाया अंगूठा साफ़ सुथरा रखना सुनिश्चित करें अपने बाएँ अंगूठे भाई को टैटू वैटू मत बनाना या कुछ भी पेन वैन मत चलाना क्योंकि वो इम्प्रेशन लगवाएंगे अगर वो नहीं आता है तो वो आपको फिजिकल देने से रोक सकते हैं शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे इस बावत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा यानी कि आपको अपने खर्चे पर जाना है जैसे रेलवे ट्रेवल पास दे देती है ऐसा ये सब नहीं देते हैं तो आपको अपने खर्चे पर ही जाना होगा कहीं भी आपका जहां भी आपका सेंटर पड़ा है शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पोर्ट्स किट लाना सुनिश्चित करें यानी कि स्पोर्ट्स किट का मतलब अगर घर लें तो अपनी जो छोटी पैंट हैं यानी कि शॉर्ट्स हैं और टी शर्ट्स हैं वो आप लेकर जाएं वो आपको चेंज करने के लिए टाइम देंगे आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जब रेडी होंगे दस पंद्रह मिनट पहले वो बता देंगे कि आप अपने कॉस्ट्यूम पहन लीजिए यहाँ से आप घर से आप लोअर टी शर्ट में जा सकते हैं टेंथ पॉइंट में लिखा हुआ है परीक्षा में आने वाले अभ्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ अपनी चार नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अवश्य लाएं, जो कि परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय आपके विवरण के साथ लगाई जाएंगे। आपको भाई चार फोटो लेके जानी है चार फोटो लेके जानी है जो कि वहाँ पर जमा होंगी और किसी फॉर्म में जो है लगेंगी महिला अभ्यार्थी जो की जांच के दौरान बारह सप्ताह की गर्भवती पाई जाती है तो अस्थायी आयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति जब तक की गर्भावस्था समाप्त ना हो जाए स्थगित की जाएगी गर्भावस्था समाप्त होने के छः सप्ताह के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के योग्य प्रमाण पत्र के उपरांत उसका शारीरिक क्षमता परीक्षा का पुनः जांच किया जाएगा यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट है इस समय तो उसको इन्होंने टाइम दिया है उसके बाद इसका जो है टाइम के बाद फिजिकल इनका होगा भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए गए हैं शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता स्टेज में ऊंचाई छाती व वजन के लिए उपस्थित होंगे इन भूतपूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करनी होगी यानी कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं आपके उनके जो फिजिकल है वो नहीं होगा रनिंग नहीं होगी उनको सिर्फ पीएसटी के लिए यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ही बुलाया जाएगा यह अभ्यार्थी प्रति है और इसको संभाल कर रखें जब तक अंतिम परिणाम ना निकल जाए इस प्रति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखाए एवं बोर्ड एवं अन्य संचालन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाएं। यानी कि अगर वहाँ पर कोई आपको बोलता है कि ये दिखाओ या फिर आने वाले समय में अगर फिजिकल क्लियर हो जाता है मेडिकल वगैरह में मांगते हैं तो ये आपको दिखाना पड़ सकता है तो आप इसको संभाल कर रखिएगा शारीरिक मापदंडता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना होने एवं चोट लगने पर उम्मीदवार उसके लिए स्वयं जिम्मेदार जवाब जवाबदार होगा उम्मीदवार पाँच किलोमीटर और एक पॉइंट छः किलोमीटर दौड़ में भाग लेने से पूर्व स्वयं ही शारीरिक फिटनेस को सुनिश्चित करें विभाग सरकार एवं परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदेह नहीं है भाई अगर आपका फ़िटनेस ठीक है तो ही आप भागें इस गर्मी में अगर आपका फ़िटनेस ठीक नहीं है आपको ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा इस गर्मी के अंदर तो आप फिजिकल के लिए ना जाएं कभी आपके साथ वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन ना करें शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी विधियों को यदि ऊर्जा वाहन दवाई के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वंचित कर दिया जाएगा यानी कि कोई भी आप वर्क इन्हेंसमेंट मेडिसिन ना लें अगर वो इन्होंने जांच कर ली तो आपका जो कैंडिडेचर है वो वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा और आप फेल कर दिए जाएंगे भले ही आप फिजिकल में पास हों या फेल हों आप वहीं से फेल हो जाएंगे तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है अगर आप फिजिकल देने जाएंगे उसके बाद ये कोविड फॉर्म है इसको आप वहीं पर भर लेना या भरकर ले जाना एक पेन डाल लेना क्योंकि तो वो वहाँ पर भी एक फॉर्म भरवाते हैं आपसे जिसके अंदर आपकी डिटेल वगैरह लिखवाएंगे आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर जो भी आप ले जाएंगे वो सब भरवाएंगे तो आप एक पेन ले जाइएगा वहाँ पर और ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है आपको चार फोटो लेके जाने हैं आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और ये आधार कार्ड लेके जाना है आपको और ये एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड लेके जाना है और इसके बाद अगर आपको छूट चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी हो तो आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद